हेलो चैम्पियंस तो यार आज हम जो टॉपिक करेंगे द टॉपिक विच बी डूइंग टुडे वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन गाइस इस बुक को हम कम्प्लीटली कवर करेंगे लेकिन इससे पहले एक ब्रीफिंग मैं आपको कर दूं कि इस बुक के बारे में व्हाई आई चूज़ दिस बुक बिकॉज ये बुक मतलब अगर आप बिगनर भी हो आपने आज तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ी भी नहीं है स्टिल आप इसको बिगनिंग से पढ़ रहे हो तो भी इसके अंदर इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है दिस बुक इज़ डेकोरेटेड सो वेल इवन फॉर बिगनर्स और जो एडवांस्ड हैं उनके पॉलिटिकल थॉट्स में बहुत ही अच्छी क्लैरिटी ये बुक देती है एंड वन मोर थिंग हमारा जो ये वीडियो है वो हम बायलिंग भी लेंगे हिंदी इंग्लिश बोथ हम इसमें करेंगे ताकि हर किसी को ये वीडियो हेल्पफुल रहे बिगनिंग विद दिस बुक अब आते हैं इन इसके कंटेंट पे तो ये व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन है थ्योरी क्या होती है थ्योरीज में भी डिफरेंसेस हैं डिस्टिंगटिवनेस है वो है उसके बाद हम बात करेंगे कॉस्मोलॉजीज एंड कॉमन सेंस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उसके बाद हम आएंगे पॉलिटिकल क्या होता है फिर कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं ठीक है सो so, इसको हम बिग्न अप करेंगे हम इस बुक को कम्प्लीटली कवर करेंगे बट कहता है ना शैतान ने जल्दी का काम शैतान का होता है मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत स्लो पेस पे चलेंगे लेकिन इस बुक को हम अच्छे से कवर करेंगे दैट्स द ओनली थिंग आई कैन प्रॉमिस यू फोन आ वील कवर इट इन द मोस्ट फैंटास्टिक वे ओके एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू दिस बुक इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड इन मेनी यूनिवर्सिटीज ऑल्सो ओके पीपल और स्टूडेंट्स आर आज टू रेफर दिज बुक्स सो दिस बुक हैज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटी एंड गुड क्वान्टिटी ऑफ कंटेंट इन इट लेन विद इ शुरू करते हैं इसके पार्ट वन से व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई डू वी नीड इट आई एम सॉरी फॉर माय सॉर्ट ऑफ यू नो वॉइस में आपको थोड़ा इंटरप्शन लग रहा होगा एक्चुअली आई एम हैविंग कोल्ड बट विल डू द बेस्ट ऑफ इट ओके तो पॉलिटिकल थ्योरी सबसे पहली चीज एंड व्हाई डू वी नीड इट अगर आपने ट्वेल्थ में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी या ना भी पढ़ी हो लेकिन जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए मैं कहूँगी कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर एक पॉलिटिकल थ्योरी की अलग बुक होती थी, थी है अभी भी और एक कॉन्स्टिट्यूशन की अलग बुक थी तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पहला चैप्टर काफ़ी अच्छे से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँगी अगर एक यू you नो know, जिसको पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं था वो भी पढ़े तो उसको समझे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बुक लिखी गई है और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर हम पॉलिटिकल थ्योरी की जो बात करें सो विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम यार शुरू करते हैं अब यह पहला चैप्टर है व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी अब मैं आपको एक चीज़ पहले ही बताती हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं इफ़ यू कीप एन इंटरेस्ट इन स्टार्टिंग पॉलिटिकल थ्योरी यू शुड नॉट बी अ बुकिश कीड़ा और जस्ट यू नो लाइक हु इज़ ओनली इन द बुक्स नो पॉलिटिक्स इज नॉट एन सब्जेक्ट विच कैन बी स्ट जस्ट गेटिंग इनसाइड द बुक यू हैव टू ग्रास्प आउट ऑफ इट एंड यूज इट इन द प्रैक्टिकल सेंस लाइक इवन इफ यू रीड अ स्टेटमेंट और एन एग्जाम्पल जस्ट ट्राई टू एनालाइज ऑन योर ओन Make your strong own opinion. That is a real political student who does that, okay? Do not forget that. And I'm gonna make it so interesting as much as I could being a politician. Uh, I mean, if you are students, we are politicians, right? Okay, so first of introduction and this a very introduction. One more thing the way I'm gonna teach, I'll be going line by line because uh, just I'll read in. Because before even I'll explain, I'll have to read it. So, why not I should read it with you and explain along with it? Because if I'll read it in the silence, keeping aside from it, then I explain, I think that will not be that fruitful to you. Because if you keep an interest in studying a book, we must do it together. Okay, so s beginning with it, in introduction, you can see it. It's a good introduction. Like it's around uh, good pages. That is a political science book.

कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें देख कर अच्छा नहीं लगता है करंटली अगर बात करूँ द वे फार्मर्स आर ट्रीटेड वो देख के रोज हमें ना you know, अच्छा फील नहीं होता है बिल्कुल भी बिकॉज वी रियली फील दो दे पीपल दो पीपल आर इन पेन देयर बट आई थिंक वी फील इट इन आर ओन हार्ट द पेन दे आर गोइंग थ्रू एंड सो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं यू नो और आपको अपना ओपिनियन हमेशा रखना चाहिए सिट विथ योर फैमिली डिस्कस ऑन दीज थिंग्स

The Supreme Court pronounces that there should be no reservations in private colleges. University students demonstrate against the government to demand the proper implementation of the Rural Employment Act. Rega. Women's organizations complain bitterly about the unequal treatment of women and girls in a society. Trade union leaders condemn police brutality against workers. Animal rights activists demand better protection for endangered species of tigers. The prime minister apologizes to the Sikh community for moral indifference and neglect by the Congress government at the time of my 1984 massacre of Sikhs. The government gives up the scale of public sector units. The Rajya Sabha passes a bill to grant Hindu women an equal right in ancestral property. The chief minister of Gujarat insists that Gujarati identity and pride is wounded by opponents of the Sadar so Swar project. What is your opinion? Makes all these issues political. Wow. ना दिस इज़ समथिंग गुड टू बी क्वेश्चन आप अब आप देखिए यहाँ पर आपको कई सारी सिचुएशंस जो है दी गई हैं यू नो दर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस दर आर गिवन टू यू एंड यू आर मेड टू थिंक यार ये क्या चीज़ है ये क्या है तो मैं आपको बताती हैं बताती हूँ तो देखिए अब यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको इन्लेस्ट करी गई हैं और उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है कि आपका ओपिनियन क्या है इन सब पे और ऐसी क्या चीज है जो इनको पॉलिटिकल बना दे तो एक एक करके हम इनको कैरी ऑन करते हैं सबसे पहली चीज सुप्रीम कोर्ट वाओ प्रनाउंस दैट देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन प्राइवेट कॉलेज रिजर्वेशन जो एक टॉपिक है इट्स इज पॉलिटिकल अब आपको क्या करना है वर्ड कैच करना है जब आपको पूछा जाता है ना कि इस सेंटेंस के अंदर दस इज अ पॉलिटिकल इशू तो भाई सीधा आपको उसके वर्ड्स इंडिविजुअली आप उन वर्ड्स को पकड़ो रिजर्वेशन हमने एक वर्ड पकड़ लिया दूसरा हमने पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ये क्या है गवर्नमेंट से रिलेटेड ना सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की एक सेक्शन के अंदर आता है लाइक इट्स ए गवर्नमेंट बॉडी देन रिजर्वेशन जो कि एक गवर्नमेंट का एक्ट है अब प्राइवेट कॉलेजेस बात आई अब दो गवर्नमेंट एलिमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन ने एक प्राइवेट बॉडी के ऊपर यानी कि प्राइवेट कॉलेज के ऊपर एक डिसीजन दिया अब ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्राइवेट कॉलेज़ में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज़ में होगा तो ये एक पॉलिटिकल इशू है क्योंकि जो रिज़र्व कैटेगरीज हैं वो आगे आएंगी इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगी कि क्यों भाई प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस माना अथॉरिटी का फ़र्क है लेकिन चीज़ तो एक ही है जाते तो सब वहाँ पढ़ने के लिए है जो इंसान गवर्नमेंट कॉलेज में गरीब है वो प्राइवेट कॉलेजेस में भी तो गरीब हो सकता है हो सकता है कि उसके सिक्सटी परसेंट आए हो उसे गवर्नमेंट कॉलेज ना मिला हो तो वो क्या बैठ जाएगा पढ़ाई छोड़ देगा नहीं उसे जाना तो पड़ेगा ना किसी न किसी कॉलेज में तो उसके पास प्राइवेट कॉलेज ही एक ऑप्शन होगा अब वहाँ वो जाता है तो हाई फीस तो अगर रिजर्वेशन होगा तो पहली बात उसे फ़ीस में कुछ कट ऑफ मिलेगा मतलब कुछ उसको कट मिलेगा उसके लिए वहाँ उसको रिलीफ फ़ील हो गया दूसरी चीज़ सीट्स में भाई क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में तो बहुत ही लिमिटेड सीट सीट्स होती हैं और बच्चे बहुत स्टूडेंट्स बहुत होते हैं जो पास आउट होते हैं ट्वेल्थ से और कॉलेज के लिए सभी दौड़ते हैं तो अगर वहाँ उसे रिजर्वेशन नहीं होगा तो वो उस भीड़ में कुचल दिया जाएगा उसे सीट नहीं मिलेगी उसकी पढ़ाई हो गई नष्ट तो पहले तो उसे फीस में रिलीफ मिलेगा दूसरा उसको सीट में रिलीफ मिलेगा क्योंकि रिजर्वेशन फंडा ही तो ऐसा बना है ना अब देखो रिजर्वेशन पर काफ़ी ओपिनियंस आते हैं लेकिन सिचुएशन के हिसाब से तो हम हमें यही लेना होगा ना तो ये इशू पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सुपीरियर अथॉरिटी पब्लिक के ऊपर कोई जजमेंट निकाल रही है जो कि उनको इफ़ेक्ट कर रही है सो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स एन पॉलिटिकल इशू इट पॉलिटिकल तीन चीज़ों से बनती है इंटरपर्सनल रिलेशंस रिलेशंस विद द स्टेट्स एंड रिलेशन विद द ग्लोबल यानी इंटरनेशनल रिलेशंस तो भाई यहाँ इंटरपर्सनल रिलेशंस हर्ट हो रहे हैं ना पर्सन टू पर्सन जिन लोगों के रिजर्वेशन कट रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में वो लोग बोलेंगे तो जहां गवर्नमेंट का डिसीजन कहीं इफेक्ट कर रहा है इट टर्न्स आउट अ पॉलिटिकल इशू क्लियर सेकंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट हम अब हम सेकंड इशू को आ, लेते हैं इन द कंसिडरेशन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू डिमांड प्रॉपर इम्पलीमेंटेशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट रहेगा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आए हैं धरने पर डेमोन्स्ट्रेट प्रोटेस्ट करने के लिए कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ने जो ये एक्ट निकाला है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो आ गया वर्ड यू गॉट द वर्ड कैच द वर्ड यर गवर्नमेंट गवर्नमेंट पहला वर्ड मिल गया तो अपने आप ही पॉलिटिकल इशू बन गया दूसरा एक्ट जब गवर्नमेंट ने कोई एक्ट निकाला है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना भी तो ज़रूरी है द थिंग इज ऑल आई होप यू गॉट इट वॉट आई हेयर टू कन्विंस यू आई मीन टू कन्वे यू तो ये पॉलिटिकल इशू इसलिए है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट हैज़ प्रोमिड सर्टन थिंग्स एंड इट इज नॉट फुलफिलिंग इट सो पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट दैट फोर इट्स अ पॉलिटिकल इशू एंड थर्ड थर्ड है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेन बिटोली अबाउट द अनईक्वल वर्ड देख लो अनईक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन आर सोसाइटी ओके तो यहां वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेन कर रही है किस लिए अनईक्वल ट्रीटमेंट के लिए दिस इज अ पॉलिटिकल इशू बिकॉज गवर्नमेंट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोमिस्ड नेश द सिटीजन ऑफ नेशन दैट देर शुड बी देर विल बी ऑलवेज जनरल इक्वालिटी बिकॉज जनरल इक्वालिटी हैज़ बीन डिस्टर्ब देर फोर देर द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन कंप्लेन एंड देर फोर इट्स अ पॉलिटिकल इशू बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन ओके नाउ नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन लेट स्पीक वॉट डज इट से एनिमल राइट एक्टिव डिमांड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ टाइगर्स द प्राइम मिनिस्टर ओके ये तो नेक्स्ट है तो यहाँ पर एनिमल राइट एक्टिविस्ट नव दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज एन टाइगर देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आई I मीन mean, जो हमारे लॉज हैं जो बिल्स लॉ पास हुए हैं वो ये प्रॉमिस करते हैं कि एंडेंजर्ड स्पीशीज को हम ख्याल रखेंगे ताकि जिस तरीके से डायनासोर से इंस्टिक एक्सटेंट हुए वैसे ये चाहे जो बाकी स्पीशीज हैं उनको जितना एक्सटेंशन से बचा सकते हैं बचाएं है। तो ये गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस है एक बिल के थ्रू एक एक्ट के थ्रू ये चीज़ बाउंडेड है तो इसको प्रोटेक्ट करना भी तो बनता है ना एनिमल राइट एक्टिविस्ट हु विल थिंक अबाउट द एनिमल्स हु विल थिंक अबाउट दैम वी द गवर्नमेंट सो मैन गवर्नमेंट हैज़ प्रामिस्ड सर्टन थिंग्स प्लीज डू एक्ट अकॉर्डिंगली इसलिए एनिमल राइट एक्टिविस्ट यानी ये एक एन हुआ वो प्रोटेक्ट कर रहा है प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट pre कर रहा है और गवर्नमेंट को उसकी ड्यूटी याद दिला रहा है पॉलिटिकल इश्यू हो गया गवर्नमेंट टू पब्लिक हो गया फिर नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर अपोलोजाइज टू कम्युनिटी फॉर मॉरल इन डिफेंस डिफरेंस एंड निगलेक्ट बाई द कांग्रेस गवर्नमेंट द टाइम ऑफ नाइनटीन एट्टी फोर मैसे गिवज अप द स्केल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अब देखिए ये थोड़ा आपको मैं हिस्ट्री में लेकर चलती हूँ आपने अपनी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में इस मैथ के बारे में पढ़ा होगा जरूर सो इन ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस वी हैव रेड अबाउट इट एज यू नो इट कि इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड बाय हर ओन बॉडी गार्ड तो उसके बाद क्या होगा कि एंटी सिक रियॉर्ट्स चलने लगे गए एंड अप्रॉक्सीमेटली फोर थाउजेंड सिक्स नो कॉट इन द मास्कर सो so, ये सब जो हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके लिए माफ़ी मांगी थी ओके सो यहाँ पर ये पॉलिटिकल इवेंट कैसे होता है यहाँ पर भाई कम्युनिटी है उसकी मॉरल वैल्यूज़ की कदर की जाए तो ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है तो सो दे फोर इट्स एन पॉलिटिकल इशू क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है स्टेट और इंटरपर्सनल स्किल्स का यहाँ रिलेशन है सो इट्स अ पॉलिटिकल इशू नेक्स्ट

बहुत बुरी तरीके से गए हैं ऐसे नहीं कि आ, इसे क्या कहते हैं इकनॉमिक लैंग्वेज आपको अगर बताओ तो या इसको कहते हैं डिसइनवेस्टमेंट यानी कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें देश का नुकसान हो रहा है तो यार ये अच्छी चीज़ नहीं है एंड जब जब ये होता है तो एक तहल का तो मचता है लेकिन वो आवाज़ की किसी को क़द्र नहीं होती क्योंकि भाई है तो पब्लिक सेक्टर कहने को पर है एक तरीके से मैं तो यही कहूँगी कि गवर्नमेंट सेक्टर ही है ठीक है इसको ले देकर जब मर्जी आया खरीदा खरीदते कम है वैसे बेचते ज़्यादा है नो आई बींग पॉलिटिकल स्टूडेंट इट रियली हर्ट्स इफ़ यू डू फील द सेम डू मैं इट आउट इन द कमेंट सेक्शन यार यू नो इट फील्स गुड वैन यू ऑल हैव अ कॉमन ओपिनियन ओके तो ये चीज़ क्यों पॉलिटिकल है क्योंकि भाई साहब जी गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारा पब्लिक सेक्टर को किसकी स्टेट की और ये इंटरपर्सनल रिलेशन में भी आएगा और स्टेट की रिलेशन में भी आएगा तो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसको गवर्नमेंट बेच रही है पैसा खत्म हो गया जो भी उनके कारण होते हैं हेल्ड टू दैट लेकिन क्योंकि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है तो गाइज वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल हो जाता है ये काफ़ी इजी है मैं आपको बता देती हूँ तो ट्रिक्स की आप ऐसी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे गवर्नमेंट कोई एक्शन दे रहा वो है वो पॉलिटिकल है देअर फॉर बिकॉज इट अफेक्ट्स द पब्लिक डेफिनेटली इट डज राइट सो इट्स अ पॉलिटिकल एक्ट नेक्स्ट वन राज्यसभा पास द बिल टू ग्रांड हिंदू वुमेन एंड एकवल राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ये हो चुका है एंड इट्स लाइक वेरी अप्रीशिएटेबल तो अब ये पोलिटिकल क्यों है क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है और ये उसकी पब्लिक उसकी जनता पर इफेक्ट करता है इस बिल को काफी बिल नहीं अब तो ये लॉ है काफी रिग्रेट भी किया जाता है काफी अप्रिशिएट भी किया जाता है ठीक है क्योंकि रिग्रेट करने वाले ये कहते हैं कि एक लड़की अपने पेरेंट हाउस का भी खा रही है जायदाद और अपने ससुराल में भी खा रही है ये यू you नो know, उन लोगों की बातें हैं जो इसको अपोज़ करते हैं और जो इसके फेवर में वो इसके फेवर में हैं कहते हुए कि लड़का लड़की एक समान दोनों को बराबर मिलना चाहिए तो ठीक है ये बिल पास हो चुका है और वेमेन का भी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बिल्कुल बराबर का हक है ये पॉलिटिकल एक्ट इसलिए है क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है और ये इसके पब्लिक पर इफेक्ट डालता है देरफोर हेंड्स इट्स अ पॉलिटिकल एक्ट नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंसर दैट गुजराती आइडेंटिटी एंड प्राइड इज वेड बाई ओपोनेट ऑफ द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट अब जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के वो ये कहते हैं कि गुजराती आइडेंटिटी है जो है ये प्राउड है सॉरी प्राइड है ठीक है एंड इट्स वॉन्डेड बाई ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के ओपोनेंट्स हैं ओके इट्स बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय देम अभी ये गवर्नमेंट का एक्ट है ठीक है एक गवर्नमेंट एक्ट है सो देर फोर और इसके अंदर क्या है जब एक मैं आपको बात बताती हूँ कि जब गवर्नमेंट के एक्ट्स आते हैं सपोज कर लो वो कोई डैम बनवा रही है डैम का तो हमेशा से ही रहा है उसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है लेकिन गवर्नमेंट जब भी कोई डिसीजन लेती है तो जब वो बिल आता है हमारे पार्लियामेंट्री हाउसेस के अंदर तो एक डिबेट पहले ही चालू हो जाती है कि ये सही है या गलत है हालांकि उस डिबेट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर अगर मेजोरिटी आ गई तो बिल पास सीधा है भाई इधर तो ठीक है तो जब भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेती है वो अपने आप एक कॉन्ट्रोवर्शल साइड में भी आ जाता है एक फेवरेबल साइड में भी आ जाता है तो गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे जहाँ वर्ड आया गवर्नमेंट आप समझ लो ये एक पॉलिटिकल एक्ट है इट इज़ पॉलिटिकल इट्स अ पॉलिटिकल इशू बिकॉज इट is related टू द government इट is कनेक्टेड टू द government इट is कनेक्टेड टू द पब्लिक इट is इट हैज़ इफेक्ट ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप अपने दिमाग में डाल लो जहाँ जहाँ ये आएंगे वो एक पॉलिटिकल इशू ही है सिंपल एंड ईजी इज दैन ठीक है तो हमने इन इश्यूज़ को काफ़ी अच्छे से डिस्कस आउट कर लिया है एंड uh, ठीक है वी है प्रूव दैम कि ये पॉलिटिकल क्यों है अब जब भी हम बात करते हैं ना कोई इशू पॉलिटिकल की है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ओपिनियंस आप देख के उसको एक्सप्लेन जस्टिफाई भी कर सकते हो ओके लेट्स मूव फर्दर विद दिस ओ ओके व्हाट इन योर ओपिनियन मेक्स ऑल दिस इश्यूज पॉलिटिकल वे डू ऑल दिस अभी अपना एक्सप्लेनेशन देंगे डू ऑल दिस इश्यूज हैव सम वन थिंग इन कॉमन व्हिच डिफाइंस देम एज पॉलिटिकल कंसिडर द एग्जाम्पल द रेफर टू रिजर्वेशन रहेगा द इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिस्टर प्रॉपर्टी एंड द सेल्स ऑफ पी एस यू पर सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑल दीज रेफर टू सम इंस्टीट्यूशनल ऑफ़ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट जैसा हमने बोला इसको आप क्लारीफाई कर रहे हैं इन्होंने बुक ने अच्छा से इसको क्लारीफाई किया है जैसे क्योंकि ये हमारे इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं भाई साहब जुडिशरी गवर्नमेंट लेजिस्लेचर द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ये सारे क्या हैं हमारे इंस्टीट्यूशन हैं यानी इन टोटल ये गवर्नमेंट का एक्ट है जो कि हमने आपको पहले बोला कि जो चीज़ गवर्नमेंट की है वो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल है यहाँ बोला है ना कि इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है हमारी जुडिशरी हमारी गवर्नमेंट हमारा लेजिस्लेचर हमारा ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर दे ऑल्सो रेफर टू द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द इंस्टीट्यूशन भाई डिसीजन मेकिंग पावर है इंस्टीट्यूशन के पास में ठीक है उनका डिसीजन सारी पब्लिक को इफेक्ट करता है डज इट फॉलो दैट द टर्म पॉलिटिकल रेफर टू एनी पब्लिक एजेंसी यहाँ पर आपकी पहली डेफिनेशन आपको मिल रही है विच सेज इट पॉलिटिकल रेफर टू एनी पब्लिक एजेंसी विद द पावर और अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ये क्वेश्चन मार्क भले ही लगाए हो बट इट इज़ द डेफिनेशन नोटिस टू दैट ऑल दीज डिसीजन पॉज द पोटेंशियल टू हैव एन impact on almost every member of society in question even when a particular decision appears to target a specific group it relates to and has an impact on the other groups अब देखो मैं इस चीज़ को आपको अच्छे समझाती हूँ कि पहला तो हमने ये चीज़ पढ़ ली है लेकिन अब इसको हम किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करें देखो पॉलिटिकल का आप ऐसे कहते हो कि एक पब्लिक एजेंसी है जिसके पास एक पावर है और उस पावर का इफेक्ट उसकी पब्लिक उसकी जनता पर है अब आप सोच लो कि जैसे इसमें एक दूसरी लाइन ये दी गई है कि चाहे वो डिसीजन एक ग्रुप के लिए हो लेकिन उसका इफेक्ट सब पर आएगा उस पर तो आएगा ही आएगा जिसके लिए डिसीजन लिया है लेकिन बाकी दूसरे ग्रुप्स में भी उसका इफेक्ट आता है कभी कभार वो हिडन होता है सामने नहीं दिखता पर होता है जैसे आज गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ओबीसी एससी या एसटी ये ऑलरेडी रिजर्व कैटेगरीज हैं इनका रिजर्वेशन हम दो परसेंट या दस परसेंट और बढ़ा रहे हैं तो अब इन ग्रुप्स पे तो ये इफेक्ट आया इनके लिए तो खुशी की लहर होगी कि हमारा रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर और अब चांस बढ़ गया इसका एडवांटेज बढ़ गया है अब इसका इफेक्ट जनरल कैटेगरी के लिए तो कोई डिसीजन नहीं लिया ना लेकिन इफेक्ट तो उस पर भी आया ना अब उनकी सीट्स और घट गई और कम हो गई दे विल सफर देव मोर ऑफ सफरिंग्स नाउ तो डिसीजन एक ही एक के लिए लिया था लेकिन इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर आया आज अगर कोई डिसीजन वीमेन के लिए लिया जाता है तो उसका इफेक्ट मैन पे भी आता है जैसे कि वो इन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाला एक्ट है तो डिसीजन तो वेमेन्स के लिए है ना इक्वल इन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे हक के लिए लेकिन इफेक्ट तो मैन पे भी आए सॉरी इफेक्ट तो मैन पे भी आए ना उनकी प्रॉपर्टी आधी हो गई सो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है सिंपली बोलूँगी कि वो हर किसी पे इफेक्ट करती है पब्लिक एजेंसीज के पास पावर है डिसीजन मेकिंग का वो डिसीजन लेती हैं और उसका इफेक्ट पब्लिक पे आता है पूरी पब्लिक पे आता है uh, वैसे इससे मुझे एक चीज याद रही है आपको पता है मैंने गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया था कुछ ही साल पहले आई थिंक फोर इयर्स अराउंड मस्ट बी जो एक ऐसा डिसीजन था जिसका इफेक्ट ऊपर से लेकर नीचे तक सब पे पूरा बराबर पड़ा था याद है भाई साहब डीमोनेटाइजेशन हाउ कैन यू फॉरगेट दैट मतलब मेरे हिसाब से वो एक एपिक डिसीजन रहा है जिसने ऊपर से नीचे सबको हिला के रख दिया रिच पुअर कोई भी हो एवरीबडी वॉज इन इट्स ट्रैप चलिए फना पाठ तो यही कहता है कि पॉलिटिकल भाई साहब जी एक पब्लिक एजेंसी है जिसके पास पावर है अथॉरिटी मतलब डिसीजन मेकिंग पावर है और उसके डिसीजन का सोसाइटी के कंट्री के हर मेंबर पे बराबर आएगा बराबर नहीं कह सकते लेकिन इफेक्ट जरूर आएगा एक पर्टिकुलर एजेंसी के लिए आई मीन टू से एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए भी डिसीजन है तो भी इम्पैक्ट हर किसी पे होगा कम ज्यादा हो सकता है नो no डाउट किसी पे कम इफेक्ट होगा किसी पे ज्यादा इफेक्ट होगा लेकिन इफेक्ट जरूर होता है डज द टर्म पॉलिटिकल देन रेफर टू द कॉमन पावर टू टेक डिसीजन अबाउट द कॉमन लाइफ ऑफ अ सोसाइटी इट वुड बी अ मिस्टेक टू कन्फाइन दिस टर्म ओनली टू दिस कॉमन पावर ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन कंसिडर वंस अगेन द एक्साम्पल ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एक्सक्लूजन ऑफ और अनइकल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन on the understanding of political arrived thus far this action of group of women is not political अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा interesting figure है अब ये जो एक second example है na women organization का protest वाला ये हमारे इस फर्स्ट डेफिनेशन को चैलेंज कर रहा है यानी कि हमने बोला political वो चीज़ है जो पब्लिक एजेंसी से रिलेटेड हो हमारे political इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो यानी जुडिश्री लेजिचर एग्जीक्यूटिव और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो होता है ठीक है हमने ये चीज़ बोला और उस उस एजेंसी के पास यानी इस पब्लिक एजेंसी के पास पावर है उस पावर से वो डिसीजन बनाते हैं उस डिसीजन का तो हम सब पे इफ़ेक्ट होता है लेकिन अब बोले भाई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन तो कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ये हमारे इस डेफिनेशन को चैलेंज करता है कि भाई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन तो है वो दिये तो नॉन गवर्नमेंट वर्किंग इंस्टीट्यूशन है तो ये कोई पब्लिक एजेंसी नहीं है लेकिन तो मतलब तो फिर ये पॉलिटिकल इशू कैसे हुआ या तो या तो आप बोल दीजिए ये पोलिटिकल इशू नहीं है और है तो कैसे हुआ तो भाई जब यहाँ बात हो रही है कि ये पॉलिटिकल अब हम अपना क्लियर करती हूँ मैं कि ये तो है तो पॉलिटिकल इशू लेकिन कैसे ये कोई पब्लिक एजेंसी है नहीं ये एक पब्लिक एजेंसी भले ही ना हो यहाँ मैं आपको दो चीज़ें स्टेट करूंगी जिससे प्रूफ होगा कि ये एक पॉलिटिकल इशू है बिल्कुल पॉलिटिकल पहला तो बुक के हिसाब से आपको बता देते हैं हमने जो हमारी पहली डेफिनेशन है उसमें हमने पावर की भी बात की यानी एक्सरसाइज ऑफ पावर अब अगर वुमेंस को पहला दूसरी एक और चीज़ है कि ये एक कलेक्टिव एक्ट है ठीक है यहाँ दो चीज़ों से सिंपली आप इसको हैंड्स प्रूव कर सकते हो पहली चीज़ तो ये कि एक कलेक्टिव एक्ट है एक ग्रुप का क्यों है क्योंकि गवर्नमेंट ने या स्पेशली बोल तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रॉमिस कर रखा है कि भाई इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ जेंडर ठीक है अब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ जेंडर नहीं होगा तो वो कंप्लेन करेंगी बिकॉज अनईक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है ठीक है ये हो गई चीज़ सेकेंड चीज़ कि अगर इसका कोई निवारण नहीं निकलता है अगर ये अनईक्वल ट्रीटमेंट जारी रहता है क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल ट्रीटमेंट की बात की क्योंकि अगर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा तो एक पलड़ा दूसरे पलड़े पे भारी पड़ेगा यानी मैन विल एक्सरसाइज पावर ओवर द वुमेन इफ देयर विल बी नो इक्वल ट्रीटमेंट इफ देयर विल बी नो इक्वल राइट्स तो जब कोई किसी पे पावर एक्सरसाइज करता है फर्स्ट डेफिनेशन में हमारी गवर्नमेंट हम पे पावर एक्सरसाइज कर रही है सेकंड में मैन एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर ओवर द वुमेन तो जब जहां कोई किसी पे पावर एक्सरसाइज करता है दैट इज अ पॉलिटिकल इशू इट, ओके सो अब इस पूरे वीडियो में जो हमने अबाउट डिस्कशन करा है उसका आपको फल यानी कि इसका रिजल्ट यहाँ है इसकी एक क्लियर ब्रॉडर एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन आपको यहाँ मिल रही है ठीक है व्हाट इज़ पॉलिटिकल का यहाँ इंट्रो के अंदर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिली नाउ लेट मी टेल यू दिस वन इज़ द पॉलिटिकल इज़ दैट डोमेन और डायमेंशन ऑफ यर कलेक्टिव लाइफ वेयर वी फाइट फॉर इंटरेस्ट मेक क्लेम्स इंक्लूडिंग मॉरल क्लेम्स ऑन ईच अद वेरी important and urgent issues are contested ये एक बहुत ही अच्छी आपको यहाँ डेफिनेशन मिली है यानी कि ये एक क्लोज यहाँ लिखा है क्लोजर लुक एट मोस्ट ऑफ़ द एग्जाम्पल पॉइंट्स टू अनदर फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिकल हमने इन सबको समझ कर एक क्लोजर डेफिनेशन निकाली है कि पॉलिटिकल इज़ दैट डोमेन या ये वो डायमेंशन है हम सब की कलेक्टिव लाइफ की जहाँ पर हम अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट करते हैं हम क्लेम्स करते हैं उसमें मॉरल क्लेम्स भी होते हैं यानी कि अगर किसी ने किसी को कुछ बोल दिया उसको हर्ट कर गया तो वो एक मॉरल क्लेम भी कर सकता है आपको पता है एक जैसे मानहानि का भी एक केस होता है ठीक है तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये मॉरल क्लेम के अंदर ही तो है उसके बाद ओके ऑन ईच द वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट इश्यूज़ आर कंटेस्टेड यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट इशूज़ को ही हम ले सकते हैं वरना लाइफ में इस वर्ल्ड इस कंट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करती है लेकिन हम उनमें से सिर्फ अर्जेंट और इंपॉर्टेंट को ही कंटेस्ट कर सकते हैं आगे देखिए बट आया है बट डिमांड्स क्लेम्स प्रोटेस्ट एंड कंप्लेन कैन बट नॉट बट जनरेट कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली दे जनरेट कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल यहाँ देखिए ये बोल रहा है द पोलिटिकल इट अपीयर्स इज़ इनहेरिटली कन्फ्लेक्चुअल जब आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है ना कि पॉलिटिक्स कन्फ्लेक्चुअल क्यों होती है इसको कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों कहा जाता है ये उसका एक्सप्लेनेशन है ठीक है ठीक है तो द पॉलिटिकल इज कन्फ्लिकचुअल क्यों कन्फ्लिकचुअल है क्योंकि आपको इसका एक्सप्लनेशन ये है ओके दिस इज़ द एक्सप्लेशन ऑफ अगर पॉलिटिकल कन्फ्लेक्चुअल बोलती है तो क्योंकि तो ये हमारी कलेक्टिव लाइफ के बारे में है यहाँ हम अपने इंटरेस्ट अपने क्लेम्स करते हैं ठीक है जिसमें से इम्पॉर्टेंट और जिस इशूज को हम कंटेस्ट करते हैं और जब जहाँ डिमांड की आती है हमारे क्लेम्स की आती है प्रोटेस्ट की आती है कंप्लेन की आती है वो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करेगा आपने अपनी चीज़ के लिए क्लेम किया तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ना आपने कोई कंप्लेन की किसी के अगेंस्ट तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना दैट्स वाई पॉलिटिकल को कॉन्फ्लिक्टुअल और कॉन्ट्रोवर्शल भी कहा जाता है आगे बोल रहे हैं फाइनली वी माइट लुक एट द पोलिटिकल स्टिल डिफरेंट सेंस अभी भी हम इसको एक डिफरेंट एस्पेक्ट से दे सकते हैं इस पूरी कन्वर्जेशन का मैं आपको बोलूँगी एक वर्ड में कि ये सब कुछ जो पॉलिटिकल है वो काफ़ी डायमेंशनल होती है इसलिए इसके अलग अलग मीनिंग्स निकाले जा रहे हैं यहाँ पे फाइनली वी माइट लुक एट द पॉलिटिकल इज़ इन स्टिल डिफरेंट सेंस अभी भी एक और नज़रिया है इसका इम्प्लिक्ट इज़ ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम्पल इज़ अ विज़न इम्प्लिक्ट ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम्पल इज़ अ विज़न ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड वन वेयर ऑल आर इक्वल और वेयर इवन एनिमल्स आर ट्रेटेड विद समेक्ट और force फोर्स replaced by बाय and एंड so on the पॉलिटिकल देन is also where न्यू worlds आर imagined इसको अगर आपको बोल दिया जाए एक्सप्लेन करने को तो यानी कि जो ये पॉलिटिकल होता है वो एक जैसे बोला ना कि हमारे जैसे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लॉज के अकॉर्डिंग एनिमल्स को भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए तो ये क्या इमेजिन करता है एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करता है जहाँ पर फोर्स लड़ाई झगड़ा वॉयलेंस को ना यूज कर कर डेलिब्रेशन यानी वार्तालाप से डेलिब्रेशन के थ्रू चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके एक नए वर्ल्ड को इमेजिन करता है क्लियरली द टर्म पॉलिटिकल हैज नो फिक्स यूनिक मीनिंग ये चीज़ आप अपने आंसर नोटबुक्स में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये बुक खुद कहता है इट हैज़ मल्टीपल दो रिलेटेड मीनिंग्स ये हमेशा याद रखना हाँ हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर मल्टीपल मीनिंग्स होती हैं लेकिन रिलेटेड भी होती हैं यानी कि कोई भी एक डेफिनेशन दूसरे डेफिनेशन को कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है हाँ उसको एक्सप्लेन कर सकती है फर्दर उसको फर्दर डेलिब्रेट करती है लेकिन मतलब फर्दर उसको ब्रीफली एक्सप्लीफाई कर सकती है लेकिन कभी भी उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है हमारी किसी भी डेफिनेशन को पॉलिटिक्स में भले ही हज़ार डेफिनेशन हो लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट कभी नहीं हो सकता कि ऑपोजिट हो नहीं उससे रिलेटेड होती हैं या उससे उसके किसी वर्ड को लेकर उसको एक्ज्लीफाई exempli, करती है वन ऑब्जेक्टिव ऑफ़ दोज इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ दीज इंट्रोडक्टरी चैप्टर इज़ टू एनहांस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल एंड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ रीडर्स इन मल्टीपल मीनिंग्स तो यही आपकी बुक चाहती है कि आपको पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग दे और आपके इस पॉलिटिकल uh, की अंडरस्टैंडिंग को मल्टीपल मीनिंग्स के साथ इसको बढ़ाए इस नॉलेज को इंक्रीज करें इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सेंस ये इस बुक का पहला टास्क है ओके दिस इज द फर्स्ट टास्क इट सेस नाउ सेकंड टास्क इज टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द टर्म थ्योरी आपको मैं बता दूँ आपने अभी तक जिन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ी थी आप पॉलिटिक्स ओह व्हाट इज दिस यानी कि आप पॉलिटिकल को ओके okay, आपकी जो पॉलिटिक्स थी उसको और आपकी थ्योरी को साथ में पढ़ते थे बट हियर यू विल स्टडी दैम इन डिफरेंट एस्पेक्ट पॉलिटिकल एज एन डिफरेंट थिंग थ्योरी इज इन डिफरेंट सेंस सो ये आपके इस बुक का या आप कह सकते हो कि आपकी आगे की पढ़ाई का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप इन दोनों कंसेप्ट यानी कि जो एक एक वर्ड आप समझ रहे थे इसको पॉलिटिकल थ्योरी उसको अलग पढ़ेंगे थ्योरी आप इसकी मीनिंग अलग समझेंगे पॉलिटिक्स आप इसकी मीनिंग डेफिनेटली अलग समझेंगे ओके okay? ना दो नॉट ईजी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस इज बी डन सो दैट इवेंचुअली वी कैन पुट द टर्म पोलिटिकल एंड थ्योरी टू गैदर एंड हैव अ बेटर ग्रास ओवर वॉट इज़ मेन्ड बाई पोलिटिकल थ्योरी ये क्यों किया जा रहा है इनको अलग करने का इनका एक ही मकसद है कि आप इन चीज़ों को अलग से समझेंगे तभी तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे दैट इज़ वॉट दे आर ट्राइंग टू डू हेयर ये एक ही चीज़ कहते हैं कि यार अगर आप जैसे हम जब भी कोई टर्म पढ़ते हैं नया ना तो उसको ब्रेक करके पढ़ते हैं ताकि इसकी मीनिंग अच्छे से बैठ सके दिमाग में वही चीज़ वही थ्योरी यहाँ पर है कि आपको पॉलिटिकल और थ्योरी का अलग से समझाएंगे पॉलिटिक क्या होती है थ्योरी क्या होती है फिर उनको मिला के आपको एक्सप्लेन किया जाएगा फॉर एन बेटर एंड गुड अंडरस्टैंडिंग अब बोल रहे हैं कंसिडर वंस अगैन द एग्जाम्पल्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ मेनी ऑफ अस हैव एन ओपिनियन मोस्ट ऑफ दीज इशूज हमने अपने ओपिनियन रखे एंड देन वी डेट द बुक राइट इसीलिए आई डेट दैट समर इंटरेस्टेड इन सीकिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द पुलिस द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ओके डू देर एक्शन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी और द नैरोस्ट ऑफ अ क्लास और परहैप्स ऑफ अ टाइनी पोलिटिकल लाइट फॉर इंस्टेंस सम आई आर्ग्यू दर द इश्यू ऑफ गुजराती आइडेंटिटी is used to further the interest of rich peasants others may claim that identity is non issue is a non issue that the real motive underlying every public action is class interest is class interest the academically minded amongst us they are talking about the academically minded means you may claim that there are एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल रीजन अंडरलाइंग दीज एक्शंस यानी कि यार कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल रीजन है तभी वो डिसीजन आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल द स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगा माइड बी ड्यू टू सिस्टमैटिकल इंस्ट्रक इंस्टीट्यूशनल बाइसनेस हिडन फ्राम द कंसनेस कॉन्शसनेस ऑफ पावर बिल्डर्स यानी हम जो जैसे हम इसीलिए बोलते हैं कि एक स्कॉलर का दिमाग हमेशा अलग चलता है और एक नॉर्मल कॉमन पर्सन का दिमाग हमेशा अलग चलता है यू एज एजुकेशनलिस्ट आप हमेशा जो भी चीज़ आपके सामने आएगी एंड स्पेशली बींग अ पोलिटिकल स्टूडेंट आप हर चीज़ को एक अलग परस्पेक्टिव से देखते हो आपका एनालिसिस दूसरे लोगों से काफ़ी स्ट्रोंग और यूनिक होता है ठीक है सो so यही इस चीज़ में बताया है ना इट सेज इज डूइंग पोलिटिकल थियोरी द सेम देन एज एक्सप्लेनिंग एन एक्ट प्रैक्टिस इवेंट और प्रोसेस दिस डज नॉट अपेयर टू बी सो ये कह रहा है यानी इज डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी द सेम देन एज एक्सप्लेनिंग एन एक्ट प्रैक्टिस इवेंट और प्रोसेस यानी कि जो है कि पॉलिटिकल थ्योरी जिसकी हम बात करते हैं क्या वो इज इट जस्ट अबाउट किसी चीज को एक्सप्लेन करना या किसी चीज को प्रैक्टिस या इवेंट या प्रोसेस करना क्या थ्योरी वही है दिस डज नॉट अबेयर टू बी सो ऑल दो एक्सप्लेनिंग इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी श्योरली इट्स नॉट द होल ऑफ इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देखिए जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी वर्ड आती है हमें लगता है यार पॉलिटिकल तो ठीक है समझ में आने जैसी चीज लेकिन थ्योरी में ये लोग क्या समझाना चाहते हैं थ्योरी इज वॉट किसी भी चीज़ का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो गया डिस्क्राइब एक्सप्लेनेशन हो गया यानी किसी चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना वही थ्योरी है वो ठीक है एक्सप्लेनेशन थ्योरी का पार्ट है लेकिन इट्स नॉट द होल ऑफ इट ऐसा नहीं है कि पूरा एक्सप्लेनेशन ही थ्योरी है नो थ्योरी कंटेंस ट्रू थ्योरी कंटेंस यू नो अप्रूवन आप कह सकते हो एक साइंटिफिक मेथड से या किसी लॉजिक के साथ किसी चीज़ को प्रूव करना तब वो जाके थ्योरी के अंदर आता है गाइज इट्स नॉट जस्ट कि मैंने किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया रेड कलर ऐसा होता है ऐसा ऐसा नहीं 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 ऐसा नहीं किसी चीज़ को कम्प्लीटली प्रूव करना लॉजिक के साथ प्रूव करना वो होती है थ्योरी एंड दिस फॉर टू डिफरेंट रीजनस पहला बिकॉज एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट डज नॉट ऑन इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूट थ्योरी क्यों हम ऐसा कहते हैं कि जब हम कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यानी किसी चीज को सिर्फ एक्सप्लेशन के तौर पर हम किसी स्टेटमेंट को दे रहे हैं उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो पूरी थ्योरी नहीं बनाता इथ नेवर कॉन्स्टिट्यूट